और मैं ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हमारे भाई कमलेश भाई ने कहा कि लोग खा रहे हैं, ये खा गए वो खा गए, भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, और नेता लोग खा गए, भाई नेता नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, सड़क खा गए, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, तुम खा के बताओ ना। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है, खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला, क्या बात कर रहे हो। और हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा यार। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए, ये क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए वो इस देश से। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मोजी जिंदा, ये क्यों जिंदा है, क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हरिओम पवार जी, डॉक्टर फलाना जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं बिल्कुल भी, और उससे कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता। ये पढ़े लिखे होकर के मैं नहीं पढ़ा लिखा तो क्या हो गया, काम तो ये भी वही कर रहे जो मैं कर रहा हूं, और कई बार अच्छा कर लेता हूं इन पढ़े लिखों से। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को यार, हमारी जानकारी में होना चाहिए। भ्रष्टाचार करना एक अन्याय है, अन्याय का मतलब क्या होता है, एक अन्य तरह की आय, वो आय हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई दिक्कत। यहां से कुछ दूर है एक बड़ी सी खजूर है, खजूर में हंसने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां से कुछ दूर है एक खजूर है, खजूर के नीचे दरगाह है, दरगाह के पीछे उसका घर है। यहां से कुछ दूर है एक खजूर है, खजूर के पीछे दरगाह के नीचे उसका घर है, वो वहीं रहता ये मुझे पता है। बस ये खत्म हो गई, ये परिचय की कविता थी, आदमी का एड्रेस बताना कि वो कहां रहता है। कुमार जी ने कहा बोले आगे क्या, मैंने कहा आगे क्या मतलब उसका परिचय ये है कि वो वहां पे रहता है। अरे परिचय मतलब यार, परिचय तो बताना पड़ेगा ना, अब क्या सीए और एनआरसी में क्या यही तो कह रहे परिचय बताओ, परिचय बताओ, और वो अगले परिचय नहीं बता रहे, तो मैं परिचय बता रहा हूं कि वो वहां पे रहते हैं और वहां से पत्थर फेंकते हैं, वहां से पत्थर। मैं कविता सुना रहा हूं, ये जो खाने पीने की बातें हुई ना, मैं इसमें ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं कि ये खा गए पी गए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं। आज से 5000 साल भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो, कन्हैया ने गर्दन हिला दी, माँ ने कहा बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो, जब कन्हैया ने मुंह हिलाया गर्दन हिलाई यशोदा मैया ने कान्हा को डांटा तो घुटनों के बल चलने वाले नन्हे कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो योग शक्ति से वो योगेश्वर बन गए, और अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी पाताल तल तलातल महातल भूतल रसातल सतलोक तपलोक वैकुंठ लोक भूलोक भर्ग लोक स्वर्ग लोक ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, बोले ये खा गए ये खा गए, ये बहुत पहले से चला रहा खाने पीने का मामला, कोई अभी नया आइटम थोड़ी खा गए, ये तो बहुत चले रहा।